मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी, आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिलेंगी। अस्सलामुअलैकुम, आज मैं आपको लाहौरी चने बनाने की रेसिपी बताऊंगी। चने मैंने हाफ के जी लिए हैं और चनों को मैंने 5 से 6 घंटे के लिए भिगो दिया था। अब भिगोने के बाद इनका पानी गिरा के इसमें मीठा सोडा 2 टेबलस्पून डाल दिया है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। चनों में आधा घंटा मैं मीठा सोडा लगा के रखूंगी और उसके बाद इसको फिर से धो लेंगे और फिर हम इसे पकाएंगे। आपने ये ख्याल करना है कि 5 से 6 घंटे जब भिगो लें तो उसके बाद मीठा सोडा डालना है, और मीठे सोडे डालने के बाद आधा घंटा रख के फिर इसे धो लेना है। घी मैंने 1.5 कप लिया है। घी में सबसे पहले हम प्याज डालेंगे। प्याज मैंने एक मीडियम साइज़ का लिया है और मीडियम फ्लेम पे हम इसका कलर चेंज करेंगे। प्याज का कलर हमने लाइट गोल्डन ब्राउन करना है। जब तक प्याज का कलर चेंज हो रहा है तब तक मैं आपको बाकी मसालों का बता देती हूँ। मसालों में मैंने नमक ऐड किया है 1.5 टीस्पून, लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, सूखा धनिया पिसा हुआ 2 टीस्पून, अदरक लहसुन की पेस्ट 1.5 टेबलस्पून और काली मिर्च 1 टेबलस्पून। काली मिर्च हम सबसे लास्ट पे ऐड करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि प्याज का कलर गोल्डन हो चुका है। अब ये सारे प्याज मैं निकाल के साइड पे कर लूँगी और इसे हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। इतना आपने प्याज का कलर गोल्डन करना है, ज़्यादा नहीं करना। तकरीबन मैं सारे प्याज निकाल चुकी हूँ, यह आप देख सकते हैं। अब मैं इन्हें ठंडा करने के लिए रख दूँगी। घी में अब हम अदरक लहसुन की पेस्ट डालेंगे और 5 से 6 सेकंड के लिए भूनेंगे पेस्ट को। अब मैं घी में तमाम मसाले डाल दूंगी, लेकिन काली मिर्च हमने नहीं डालनी, सिर्फ नमक, सूखा धनिया, लाल मिर्च और हल्दी पाउडर डालेंगे। मसाले डालने के बाद इसे मैं मिक्स करूंगी। अब मैं इसमें दूध डालूंगी, 1/2 कप मैंने दूध लिया है। अब मैं इसमें 1/2 कप दही डालूंगी और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। अब मैं इसे कवर कर दूंगी यहाँ तक कि हमारे जो मसाले हैं अच्छी तरह से भून जाएं। 5 से 10 मिनट के लिए मैं इसे लो फ्लेम पे कवर कर रही हूँ ताकि अच्छी तरह से हमारे मसाले भून जाएं। तकरीबन 10 मिनट हो चुके थे और फ्लेम बहुत लो थी और मसाले भी हमारे भून चुके हैं। अब मैं इसमें से 1/2 घी जो है वो साइड पे निकाल लूँगी और 1/2 घी देचकी में ही रहने दूँगी। साइड पे मैं इस वजह से निकालूँगी ताकि हम गार्निशिंग भी अच्छी सी कर सकें, और इसके अलावा जो लास्ट पे हम चने जब पक जाते हैं घी डालते हैं तो वो बहुत अच्छा लगता है, टेस्ट बहुत अच्छा आता है उसका। और जो आधा घी मैंने रहने दिया है उसमें हम चने डालेंगे। चने को मैं धो चुकी हूँ मीठा सोडा लगाने के बाद, और इसमें मसूर की दाल भी 1/2 कप डालेंगे। मसूर की दाल को मैंने 5 से 6 बार धो लिया था और अब ये जो थोड़ा सा पानी डाला हुआ है ये इसी समेत देचकी में डाल देंगे। सबसे पहले मैं चने डालूंगी, और अब मैंने लो टू मीडियम फ्लेम रखी है इसकी। इसमें हम 3 कप पानी डालेंगे। आपने अपनी ग्रेवी के मुताबिक जितनी आप रखना चाहें उतना पानी डाल सकते हैं। 3 कप पानी डालने के बाद अब मैं इसे तकरीबन 15 मिनट के लिए रख दूंगी लो टू मीडियम फ्लेम पे, ताकि जो हमारा पानी है वो जो ग्रेवी अच्छी सी तैयार हो जाए इसकी, और उसके अलावा जो चने हैं वो भी अच्छी तरह से गल जाएं। आपको पता है कि चनों की ग्रेवी कितनी आपने थिक रखनी होती है। अब मैं इसमें मसूर की दाल डाल दूंगी। 15 मिनट हो चुके थे, मसूर की दाल अब मैं इसमें डालूंगी, और दाल में मैं पानी समेत दाल डाल रही हूँ जो मैंने थोड़ा सा पानी डाला था। ये आप देख सकते हैं कि चने
और मसूर की दाल हम डाल चुके हैं। अब तकरीबन मैं लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे आधे घंटे के लिए रख दूंगी। आधा घंटा हो चुका था, अब मैं इसमें ये जो प्याज मैंने ठंडे करने के लिए रखे थे वो डाल दूंगी। आप देख सकते हैं कि ग्रेवी भी हमारी बिल्कुल ठीक तैयार हो चुकी है और चने भी बिल्कुल तैयार हैं। 2 मिनट के लिए मैंने दोबारा से प्याज डाल के कवर किया था। अब मैं इसमें काली मिर्चें डालूंगी और 1 टेबल स्पून गरम मसाला डालूंगी और अब हम इसे मिक्स करेंगे। हमारे चने तकरीबन खाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जो मैंने घी निकाला हुआ था अब मैं इसके ऊपर वो डाल दूंगी। आप देख सकते हैं ग्रेवी भी बिल्कुल हमारी तैयार हो गई है और चने भी हमारे गल चुके हैं। अब मैंने इसमें घी भी डाल दिया है। अब मैं इसे डिश आउट और गार्निश कर लूँगी। चने हमारे खाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। मुझे उम्मीद है कि जब आप ये बनाएंगे लाहौरी चने तो आपको ये बहुत पसंद आएंगे, क्योंकि ये बहुत इजी रेसिपी है और टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा होता है। अगर आपको पसंद आए तो मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। अब मैं आपके लिए न्यू रेसिपी लेके आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।